हेलो फ्रेंड्स, के रेसिपीज़ एंड डिशेज में आपका स्वागत है। तो आज हमने यहाँ पे एक नारियल लिया है और इस नारियल को पीछे का पार्ट जो था वो हमने छील के हटा दिया है। तो आज हम नारियल की बर्फ़ी बनाएंगे। नारियल की बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम नारियल का बुरादा तैयार करेंगे। यहाँ पे हमने जार लिया है और नारियल को इसमें डालेंगे। जो बड़े पीस हैं उन्हें छोटा कर लेंगे। ये बड़े बड़े पीस जो हैं उनको छोटा छोटा करके डालेंगे। ये हमने कच्चा नारियल ही लिया था बट इसमें पानी बिल्कुल नहीं निकला, ये अंदर से भी ड्राई ही निकला। एक पीस हम इसको रख लेते हैं, इसका यूज़ हम बाद में बताएंगे। हमने एक नारियल लिया है, आप जितना बनाना चाहें उस हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। नारियल के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। हम इसका बुरादा बनाएंगे। ये देखिए इतना अच्छा नारियल का बुरादा बना है। इसको हम पलट लेते हैं इसी प्लेट में। इस तरह से पूरा पलट लिया है। यहाँ पे एक कटोरी हमने मावा लिया है, जिसे खोया भी बोलते हैं। ये घर का बना है तो इसको हमने फ्रिज में रख दिया था, इसलिए इसको भी एक बार जार में डाल के इसमें जो लम्स बने हैं वो ग्राइंड करने से सही हो जाएंगे। ऐसे दूध में अगर डाल के भी गलाएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इसे मिक्सी में ग्राइंड करने से जल्दी हो जाएगी, फटाफट बन जाएगा। देखिए कितना स्मूथ हो गया है। चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने दूध पहले से बॉईल करके रखा था, कढ़ाई चढ़ा लेते हैं। अब हम इसमें आधा लीटर दूध डालेंगे, गिलास से 2 गिलास। गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं और इसको कंटिन्यू चलाते हुए पकाएंगे। दूध को आधा होने तक अभी पकाएंगे। इधर दूध पक रहा है तब तक ये नारियल जो हमने बचा के रखा था इसका क्या यूज़ करना है वो बताते हैं। यहाँ पे हमने कद्दूकस लिया है और इस नारियल को हम लंबा लंबा कस देंगे और इसका यूज़ हम ऊपर से गार्निश करने के लिए करेंगे। इस तरह से कतरन बना लेनी है, कस लेना है। इस तरह से हमने नारियल को कद्दूकस कर लिया है। आपके पास फूड कलर है तो आप इसमें रेड कलर का फूड कलर मिला के रख दीजिए, इसे बाद में गार्निश करते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। और अगर फूड कलर नहीं है तो ये चुकंदर है, इसका यूज़ हम बताते हैं। चुकंदर को हमने धो लिया था, अब इसे पील कर लेते हैं और इसको कद्दूकस करके इसका रस निचोड़ लेंगे। और उसी रस में ये जो नारियल है कद्दूकस किया हुआ उसे डिप कर देंगे, इससे बढ़िया सा कलर आ जाएगा। इस तरह से चुकंदर को भी हमने कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से दबा दबा के किसी भी कपड़े से
इसे निचोड़ लेते हैं। देखिए कितना सारा रस निकल आया है। ये देखिए, अब इसी रस में ये नारियल का जो हमने घिस के रखा था डिप कर देते हैं। अच्छे से मिला देना है। आवश्यकता के अनुसार जितना हमें चाहिए उतना ही इसमें कलर करना है नारियल के लच्छों में। देखिए हाथों में भी कलर आ गया है, इस पे कलर आने देते हैं। चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। दूध भी गाढ़ा हो गया है, अब हम इसमें ये जो मावे को स्मूथ किया था खोए को वो ऐड कर देते हैं। कंटिन्यू चलाते हुए इसे अच्छे से पका लेते हैं। अब इसी टाइम हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा आप मीठा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालिएगा। यहाँ हमने आधा कप के करीब डाली है। चीनी पड़ते ही दूध थोड़ा पतला हो जाता है। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। चीनी गलने के बाद इसमें नारियल का बुरादा ऐड कर देंगे। चीनी अच्छे से गल गई है, अब इसी टाइम हम नारियल का बुरादा ऐड कर देते हैं। कंटिन्यू चलाते रहना है। फ्लेम को लो टू मीडियम कर देते हैं। नारियल पड़ते ही देखिए कैसे थिक होता चला जा रहा है दूध मावा। यहाँ हमने एक नारियल लिया था और आधा लीटर दूध लिया था और आधा कप चीनी ली थी। अगर आप अधिक मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट बर्फी बनेगी नारियल की। और मीठा आप अगर कम खाते हैं तो चीनी कम ऐड करिए, और चीनी नहीं ऐड। काफ़ी थिक हो गया है। अब हम इसी टाइम इसमें इलायची पाउडर डाल देते हैं। अच्छे से मिला देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। फिर पीस बनाएंगे। थोड़ा सा थिक और हो जाए अब एकदम परफेक्ट तैयार है। गैस के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं, थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ हमने मॉल्ट ले लिया है, ये बटर पेपर है, इसको इस पे लगा लेते हैं। बटर पेपर लगा लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। इस तरह से हमने इसमें सेट कर दिया है। आपके पास बटर पेपर ना हो तो डायरेक्ट बर्तन में घी लगा के ग्रीस करके और अपने अनुसार जिस साइज की और जिस शेप की कतली बनाना चाहें वैसे काट सकते हैं। अब इसको 30 मिनट्स के लिए रख देते हैं। अगर आप फ्रिज में रखते हैं सेट होने के लिए तो 15 से 20 मिनट के लिए रखते हैं।
और रूम टेम्परेचर पे रखना है, तो 30 से 40 मिनट लग जाते हैं सेट होने में। फ्रिज में रख देते हैं, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट में ही निकाल लिया है क्योंकि अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके ऊपर से चांदी का वर्क लगा देते हैं। इस तरह से पूरे पे चांदी का वर्क लगा लिया है। अब हम इसके पीस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पिस्ता की कतरन ली है, ये इसे गार्निश कर देते हैं चांदी के वर्क के ऊपर से। इस तरह से अब ये नारियल, इसको भी थोड़ा थोड़ा सब पे रख देते हैं। देखिए कितनी सुंदर लग रही है नारियल की बर्फी। तो इस तरह से आप लोग भी बनाइए। देखने में भी बहुत सुंदर, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट। तो इस तरह से फ्रेंड आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। नारियल की टेस्टी बर्फी। और प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइए कि आज की आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए। और देखिए इस तरह से आप भी सजा सकते हैं, गार्निश कर सकते हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।